दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय ताजगी और लज्जत का एहसास, स्वीटनेस इज मिठास, बेकरी और स्वीट्स के अलावा मजेदार पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन खाने, शादी ब्याह, बर्थडे या कोई भी तकरीब हो, कैटरिंग मिठास से ही कराइए। स्वीटनेस इज मिठास, 1150 कॉनी एलन एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। कॉल कीजिए 718-421-1150। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर की पुकार के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में कश्मीर की ही सूरत हाल के हवाले से कुछ बात की जाएगी कि जहां पर घरों में महसूर कश्मीरी तंगदस्ती की सी कैफियत में अब पहुंच चुके हैं, वहीं पर स्कूल ना जाने वाले तलबा व तालबात को भी शदीद अज़ियत का सामना है। स्कूल्स और तमाम तर तालीमी इदारे वहाँ पर बंद हैं। तलबा व तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। 34 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, 35वां रोज़ आज है। लॉकडाउन की कैफियत ख़त्म होने में नहीं आ रही है और जो भारत की मज़मूम साजिशें और कोशिशें हैं कश्मीरियों को मज़ीद ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाने की, वो इसमें हमें दिन ब दिन कामयाबी इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जितना भी दबाव आलमी क़ुव्वतें भारत पर बढ़ाएंगी कश्मीर के हवाले से, उतना ही कश्मीरियों के लिए सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन दबाव कहीं बढ़ता नज़र नहीं आ रहा। बयानात की हद तक ज़रूर है, अमली तरीक़े से किस तरह से भारत को मुतनब्बे किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उस पर हमें अब तक कुछ अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। इसी पर कुछ बात करने के लिए कि वहाँ पर तलबा व तालबात का मुस्तकबिल किस हद तक दाव पर लग चुका है, क्या सूरत हाल है और क्या कुछ वहाँ के कारोबारी हमें माहौल नज़र आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि जो बागात हैं वहाँ पर फलों के, उनको भी अब बाकायदा तौर पर फल लगी हुई फसल को काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, माशी तौर पर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। सैयद अब्दुल्ला बिन अयूब दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, बहुत से इस तरह के शोबा जात हैं जिनमें वो तालीम। सैयद अब्दुल्ला बिन अयूब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और मुल्कों के मुस्तकबिल सवारने के लिए, लोगों का मुस्तकबिल सवारने के लिए, लोगों को रोशनी की नई राहें दिखाने के लिए काम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया आपने। जिस तरह से कश्मीर की सूरत हाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि 34 रोज़ से ज़ायद गुजर चुके हैं, 35वां रोज़ आज लॉकडाउन की कैफियत में है कश्मीरियों को, तलबा व तालबात के लिए भी यकीनन एक कठिन मरहला है, क्योंकि 72 सालों से हालात कोई ख़ास बेहतर नहीं, लेकिन अब जो कैफियत है ऐसी पहले कभी ना थी, क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए व मुरसलीन अम्मा बाद। बेशक यही सूरत हाल है जो आप बयान फरमा रही हैं कि तकरीबन 33-34 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन की कैफियत है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, हर किस्म के शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग वो अपने घरों में महसूर हैं, बल्कि महसूर होने से ज्यादा बढ़कर आगे मामला ये है कि वो जुल्म व तशद्दुद की अज़ियतनाक एक मंजर के अंदर जो है ना वो उस शिकंजे के अंदर जकड़े हुए हैं। इस सूरत हाल को दुनिया भर में बातों के जरिए से तो उजागर किया जा रहा है, लेकिन अमली इकदाम किसी सूरत भी कहीं से भी कोई सामने नहीं आ रहे। तो मैं इस चीज़ के बारे में यही कहूंगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर इंसानियत, एक मुसलमान होने के नाते तो इसको एक साइड पे रखते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते से हमें ये देखना होगा कि वहां पर 80 लाख आवाम रहती है, लोग रहते हैं, जिसमें हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन खसूसी तौर पर जो टारगेट पर है वो मुसलमान है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आलमी दुनिया को इस वक्त इस नाजुक मरहले पे कश्मीर की आवाम की आवाज के साथ जो है वो खड़ा होना पड़ेगा और होना चाहिए, और अगर ये खामोश तमाशाई बने रहे तो मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं होगी कि जहाँ पर जुल्म तशद्दुद होता हुआ देखते रहे और वहां पर फिर कोई रहमत हो या कोई जो है ना वो आसानी वाला मामला हो। तो मैं तो ये आलमी बरादरी से भी और जितने भी स्टेक होल्डर लोग हैं उनसे यही बात कहूंगा कि इस वक्त कश्मीर की आवाम एक जेल के अंदर बंद की कैफियत में महसूर है, और इसमें बेशुमार ऐसे वाकयात हैं कि बेटियों को घरों से उठाया जा रहा है, नौजवानों को बांध बांध के इज्तिमाई तौर पर जो है ना उनके ऊपर कत्लो गारतगिरी करके भयानक तरीन अंदाज में उनको जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जो एक इंसानियत के नाम पर तमाचा है और इंसानियत के नाम पर जो तंजीमें हैं उनके दावों पर जो है ना वो एक बदनुमा दाग है।
ठीक है, इंसानियत के नाम पर तमाशा यकीनन कश्मीर में जारी है, लेकिन भारत खुद को जमहूरियत का अलमबरदार बहुत ज्यादा कहता है। अगर हम बात करें भारत की ही, तो खुद तो चांद पर पहुंचने के लिए और साइंस और टेक्नोलॉजी की मैदान में कदम जमाने के लिए वो हमें नए नए रास्ते इख्तियार करता नजर आ रहा है, लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, मकबूजा जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है, वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी स्कूल कॉलेज जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है, तालिबे इल्मों को कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा है, और जो उनके तालीमी मराहिल हैं उसमें रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, तो ये दोहरा मयार तो यहाँ पर भी भारत का नजर आता है। जी बिल्कुल, इस ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मसला ये है कि ये एक दौर हुआ करता था कि जब ये भारत का दावा था कि हम एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत हैं, लेकिन आजकल जो एक मोदी सरकार जिस उस पर एक नजरिए के ऊपर कारबंद है, ये तो हिंदुइज्म का नजरिया है। जो हिंदू टेररिस्ट और हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं, जो सिर्फ जो है ना अपनी हिंदुआना बालादस्ती चाहते हैं, वहां सिर्फ मासूम मुसलमानों के बच्चे नहीं, वहां पर ईसाई, वहां पर दलित, जो हिंदू दलित हैं, जो उनके अपने मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो भी इनके जुल्म तशद्दुद का शिकार है। आप सोशल मीडिया पे बेशुमार इस तरह की वीडियोज आप देखेंगी और लोगों की आवाजें आप सुनेंगी, जिसमें जो है ना वो इस तरह के अवामी आवाज है, लोग जो है ना वो रो रहे हैं और अपनी अपने मसाइल बयान कर रहे हैं कि वो उनमें से क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, उसमें से जो है ना वो सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, वहां पर जितनी भी अकलियतें हैं वो तमाम के तमाम इस हिंदुआना इंतहा पसंदी के नजरिए पे कार्बन जो इनकी उसकी मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है उनके तशद्दुद का शिकार है। तो ये तो किसी सूरत पर भी कोई जमहूरियत का उसूल नहीं है। जमहूरियत तो ये है कि तमाम लोग जो जिस मसलक मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं वो आजादी के साथ जो है अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो उनके ऊपर इस तरह का कोई वो चीज नजर नहीं आती। अब आप देख लें, वो आसाम है, केरला है या दीगर जितनी भी इनकी रियासतें हैं, वहां पर जो है वो बगावतें फैल रही हैं। उसकी बगावत की बेसिक वजह ये है कि उनकी इंसानियत की जो फंडामेंटल्स हैं उनको जो है वो हुकूमत बुनियादी नहीं दिए जा रहे, ठीक, उनकी जो है वो खिलाफवर्जी की जा रही है। सही अब्दुल्ला साहब, महज़ब कौमों का यकीनन तरीक़ा कार यही होता है कि बातचीत के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए पुरअमन तरीक़े से एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया जाए। हम ये देखते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और दीगर तमाम ममालिक में भी जो कश्मीरियों से हमदर्दी रखते हैं, उनके दुख में ख़ुद को शामिल समझते हैं और ख़ुद को इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहते हैं, वहाँ पर हर तरह का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा चुका है, लेकिन उसका असर होने में नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं, आपकी राय में क्या कोई ऐसा तरीका मौजूद है जो महज़ब माशरे की अलामत भी हो और वो बावर भी करा सके भारत को कि दरअसल वो कश्मीरियों के साथ कर क्या रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं इस बारे में जो है ना मोहतरम हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के किरदार को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के का मुजाहरा करते हुए जो इंसानियत का तकाजा है उस तकाजे को उजागर किया और महज़ब कौम का एक अमली सबूत पेश किया है कि उसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर की आवाज को बुलंद किया, जबकि हिंदू और इसका इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से बेशुमार ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए जिनके जरिए से पाकिस्तान को उकसाया गया कि वो हमला करे और इस तरह तशद्दुद फैले और पूरी इस खत्ते के अंदर जो है वो बदमनी फैले। लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हुए उसने महज़ब कौमों की तरह एक जवाब दिया, उसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कश्मीर की आवाज को बुलंद किया और दुनिया भर में आज कश्मीर के ऊपर कश्मीर के हक में जो आवाज उठाई जा रही है। अगर ये महज़ब है, अगर ये जमहूरियत का दावा करते हैं, अगर ये इंसानियत का दावा करते हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत है। लेकिन आज अगर आप थोड़ा सा इन दिनों में देखें कि जब से ये कर्फ्यू का मंजर है, वहां पर तो हर तरह की जो सहूलियात है वो बंद है, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद है, वहां पर टेलीविजन बंद है, वहां पर यानी इंसानियत का मुस्बत जो वो अपना रद्द अमल देने के लिए महज़ब कौमों की तरह अगर कोई बच्चे बूढ़े जवान अगर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए भी आते तो उनको भी बंद कर दिया गया। तो ये इंसानियत का तो कोई मरहला है ही। अब तरीकेकार ये हो सकता है कि हिंदू को इसका मोदी को इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, वरना अगर इसने जो है ना अभी नहीं सोचा इस बात को, इस तरफ नहीं गया कि भाई इंसानियत क्या है और इस दुनिया के अमन के लिए जो दुनिया भर में कानून है वो क्या दर्द देते हैं,
आज से पहले जितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं उनके बाद लोगों ने बैठकर टेबल टॉक करके कवानीन बनाए हैं, अक़वामे मुत्तहिदा की जो है ना वो मजलिसें बनी है, ये सारे कवानीन किस लिए बने, ताकि कौमों को मुल्कों को जंगो जिदाल से बचाकर, उनकी मईशत डूब रही है, वो वहां पर लोग भूख अफलास के मारे जो है ना वो परेशान है, वहां पर आप उनके ऊपर एक जंग मुसल्लत कर रहे हैं। वहां पर शऊर रखने वाले जो हिंदू वहां के इंडियन रिहायशी जो लोग हैं वो भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू सुना होगा जो इनके मनमोहन सिंह जो 2004 से लेकर आगे तक जो है वो वजीर आजम रहे हैं, उनकी आप स्पीच उठा कर देखने के उन्होंने किस तरीके से उनको जो है वो भारत का असली चेहरा दिखाया मोदी को कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो असल तो चीज यही है मेरी नजर के अंदर के आए आकर जो ना मुदाकरात की मेज पर बैठे और आके इस मसले को हल करे, ठीक, जो उनके बुनियादी हकूक है वो उनको दिए जाए। लेकिन अगर अगर उसने ये नहीं किया जो कि इसका अभी तक की ढटाई ये जाहिर कर रही है कि वो इस तरफ नहीं आ रहा, तो फिर ये खत्ता एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ेगा। सही, खत्ता यकीनन तबाही की तरफ बढ़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। आपने जिक्र किया कि मजहब की बुनियादों से बालातर होकर खुद हिंदू भी अब मोदी सरकार के इस इकदाम की मजम्मत करते नजर आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक का इस सूरत हाल में क्या किरदार है, क्योंकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो किरदार नजर आना चाहिए था ऐसा कुछ नजर नहीं आ सका, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए मैं तो इस बात के इस मामले के अंदर ये समझता हूँ कि देखें दुनिया भर के अंदर जिस तरह हमारे पीएम साहब ने पिछले दिनों एक स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल तो जो लोग हमारे साथ नजर नहीं आ रहे लेकिन वक्त बताएगा कि वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम इंसानियत की लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम सिर्फ मुसलमान होने के नाते नहीं बल्कि हम इंसानियत के लिए जो ना आवाज उठा रहे हैं। तो अरब ममालिक मुसलमान होने के नाते उनका तो ये अखलाकी फरीजा बनता है, जबकि ये अफसोस का मरहला है कि ऐसे मौके के ऊपर जिस तरह ये गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ अरब ममालिक वो मोदी सरकार को जो है ना वो अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको मेडल्स पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और अभी ये पिछले दिनों वजीर खारजा सऊदीया का और यूएई के तशरीफ लाए थे पाकिस्तान और उन्होंने आके हमें अपने अखलाकी मदद का जो है ना वो ऐलान किया है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम जितनी भी रियासतें हैं उन तमाम रियासतों को मुल्कों को इस वक्त इंसानियत के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के लिए जो ना मसला है, आज वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है जो भी है उन सबके लिए एक लम्हा फिक्र है कि भाई इंसानियत के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक, सही, बहुत शुक्रिया। सैयद अब्दुल्ला बिन अयूब हमारे साथ मौजूद थे आज के इस प्रोग्राम में और बात कर रहे थे कश्मीर के उन तालिबे इल्मों के हवाले से, ख़ुद भी दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और समझते हैं कि किसी भी मुल्क का, रियासत का, शहर का, किसी कस्बे का तालिबे इल्म अगर तालीमी उसके मराहिल में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं तो यकीनन उसका मुस्तकबिल ताबनाक किसी सूरत वो नज़र नहीं आता और वो तारीखी का शिकार हो जाता है। कश्मीर की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, कश्मीरियों को 35 रोज़ हो चुके हैं घरों में महसूर हुए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नौजवान कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बुज़ुर्गों को अद्वियात नहीं मिल रही हैं, ख़वातीन को, नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे यकीनन भारत का जो एक मकरूह चेहरा है वो सबके सामने आ रहा है। लेकिन सबके सामने आने के बावजूद भी भारत की इस घिनौनी साजिशों को रोकने में या ख़त्म करने में अब तक कोई हमें किरदार नज़र किसी का नहीं आ सका है। कल के एक प्रोग्राम में मजीद आपके साथ हाजिर होंगे कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाजत दीजिए, हलाने के बाद। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय ताजगी और लज्जत का एहसास, स्वीटनेस इज मिठास, बेकरी और स्वीट्स के अलावा मज़ेदार पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन खाने, शादी ब्याह, बर्थडे या कोई भी तकरीब हो कैटरिंग मिठास से ही कराइए। स्वीटनेस इज मिठास, 1150 कॉर्नियल एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। कॉल कीजिए 7184211150।